प्रदूषण के प्रकार के बारे में देखने जा रहे हैं। तो राउल के नियम के डिविएशन के अनुसार, डिविएशन मतलब या तो अधिक या तो कम, मतलब पालन नहीं कर रहा है, उससे अंतर के कारण नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होता है। एक प्रकार क्या होता है, पहला क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। तो पहला हम लोग प्रकार क्या देखे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, मतलब प्रदर्शित करता हो राहुल के नियम का अधिक, मतलब जिसका बास दाब राहुल के नियम का अधिक होता है उसको हम लोग धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। दूसरा नंबर क्या होता है, ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन युक्त, मतलब सोइंग क्या करेगा, ये नॉन आई इंग्लिश में लिखेंगे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोइंग नेगेटिव डिविएशन, मतलब नेगेटिव विचलन करता हो। विचलन होना मतलब अपने नियम के पथ से अलग हो जाना, या तो ऊपर चला जाना या तो नियम, तो उसी को हम लोग विचलन बोलते हैं। तो यहाँ डिविएशन क्या हो रहा है, या तो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा या तो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में कुछ वो केवल राहुल के नियम का पालन करता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर का वर्णन करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। तो हम लोग इसका वर्णन करते हैं, इसका हिंदी क्या लिखेंगे, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, वैसा अनादर्श विलयन जिसका बाष्प दाब राहुल के नियम से संबंधित बाष्प दाब से अधिक होता हो उसे हम लोग धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन कहते हैं। इस विलयन के निर्माण में इंथैल्पी एवं आयतन में परिवर्तन होता, अर्थात बढ़ जाता है। इस विलयन के निर्माण में इंथैल्पी और आयतन क्या होता है, पहले के तुलना में बढ़ जाता है। तो ये हम लोग इसका क्या देखे, डिफिनीशन देखे। इसका एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, इथेनॉल प्लस वाटर। ये पहला एग्जांपल हम लोग देखे क्या, धनात्मक विचलन वाला का, इथेनॉल प्लस वाटर। दूसरा एग्जांपल देखेंगे क्या, CCl4 + CHCl3। ये हमारा दूसरा एग्जांपल था धनात्मक विचलन का। अब हम लोग इसका विशेषता देखेंगे, इसमें क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे हैं तो उससे संबंधित ये टोटल है। इसमें क्या होगा, PA जो होगा ग्रेटर देन P0A × XA, मतलब सब चीज इसमें अधिक रहेगा, मतलब बास दाब के नियम ये हुआ, तो इससे ये क्या रहेगा, इसका बास दाब अधिक रहेगा। उसी तरह से PB क्या होगा, ग्रेटर देन P0A × XBA। तो पहला विशेषता हम लोग क्या देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं पहला विशेषता के बारे में, कि इस विलयन का बास दाब राहुल के विलयन के बास दाब से अधिक होता है, मतलब PA ग्रेटर देन P0A × XA, PB ग्रेटर देन P0B × XB। दूसरा विशेषता क्या देखेंगे, इसके आयतन बढ़ जाता है, इसका आयतन क्या होता है, पहले के इनिशियल आयतन से अधिक होता है, मतलब डेल्टा मिक्सचर भी ग्रेटर देन जीरो, या हम लोग पॉजिटिव धनात्मक भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव धनात्मक। तीसरा नंबर, डेल्टा मिक्सचर एच इंथैल्पी भी ग्रेटर देन जीरो होता है या पॉजिटिव, इसका इंथैल्पी भी वृद्धि करता है। तो क्या लिखे, डेल्टा मिक्सचर एच ग्रेटर देन जीरो। चौथा नंबर इसका विशेषता क्या देखेंगे, जिसमें ए और बी के बीच लगने वाला इंटरेक्शन, ए और ध्यान देना यहाँ पे, ए और बी के बीच लगने वाला इंटरेक्शन लेस देन होता है, ए और ए से, और लेस देन होता है बी बी से, ए ए से भी लेस देन होता है और बी बी से। यहाँ पर यही कंसेप्ट के कारण क्या है, पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कि जो विलयन जो शुद्ध अवस्था में था ए ए
और एक मिल के बन गया, ये बी और बी था दोनों, शुद्ध बी और बी शुद्ध अवस्था में था, दोनों मिला के बना दिए ए और बी। तो यहाँ पर इंटरेक्शन अधिक है, इंटरेक्शन मतलब दोनों में, दोनों अणु आपस में अधिक जुड़ा हुआ है, तो बास बन के तेजी से नहीं उड़ेगा। जब आकर्षण बल अधिक रहता है तो आसानी से बाष्प के रूप में नहीं बदलता है। तो यहाँ इंटरेक्शन, दोनों का इंटरेक्शन अधिक है, जबकि दोनों को जब मिला देते हैं तो इंटरेक्शन कम होता है। तो इंटरेक्शन कम होने के कारण आसानी से बाष्प के रूप में बन जाता है, जिसके कारण इसका बाष्प दाब अधिक हो जाता है, बिल राउंड के नियम के बाष्प दाब से अधिक होता है। तो यही कंसेप्ट जो है हम लोग धनात्मक विचलन को शो करता है, यही कंसेप्ट क्या कि ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होने के कारण, किससे कम, शुद्ध अवस्था से कम होने के कारण इसमें बाष्प बनने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका बाष्प दाब राउंड के नियम के बाष्प दाब से अधिक हो जाता है। तो यही धनात्मक विचलन शो करता है, कौन, ए बी इंटरेक्शन फोर्स लेस देन ए ए इंटरेक्शन फोर्स और लेस देन बी बी इंटरेक्शन फोर्स। पांचवा नंबर विशेषता इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पांचवा नंबर विशेषता क्या है, या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है, या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है, या एजियोट्रॉप का निर्माण करता है। मतलब क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो ये हम लोग देखे किसके बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन के बारे में। इसका ग्राफ क्या रहेगा, तो पॉजिटिव डिविएशन रहेगा, तो ए का ग्राफ केवल ऊपर वाला शो करेगा, केवल क्या करेगा, यही है हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ये हो गया ए के लिए पॉजिटिव डिविएशन, राउंड का नियम ये जा रहा था, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन उसके ऊपर से जाएगा। बी के लिए उसी तरह से पॉजिटिव डिविएशन क्या हो जाएगा, राउंड का क्या होता था, ये डॉट 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 नाइन राउंड के नियम का पालन कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन तो उससे बढ़ जाएगा, तब बी का मान भी उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से बिलियन सॉल्यूशन के लिए भी ये राउंड के नियम का पालन कर रहा था, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन होने के कारण ये ग्राफ ऊपर से चला गया। तो ये था पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ, ये है हमारा राउंड के नियम से संबंधित पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ। अब हम लोग नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ देखेंगे। अब हम लोग किसका वर्णन करने जा रहे हैं, नेगेटिव डिविएशन मतलब क्या, जस्ट इसी के अपोजिट रहेगा, जो हम लोग पॉजिटिव डिविएशन का कंसेप्ट देखे हैं उसी कंसेप्ट के अपोजिट डिविएशन क्या रहेगा, नेगेटिव डिविएशन। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। तो क्या इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, तो डैश करके डिफिनेशन लिखना शुरू करें क्या, कि वैसा अनादर्श विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राउल के, जिसका, फिर से इसका डिफिनेशन देखें, वैसा अनादर्श विलयन जिसका बाष्प दाब राउल के नियम के बाष्प दाब से कम होता हो, ऋणात्मक है तो क्या, कम होता हो, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इस विलयन के निर्माण में आयतन एवं इंथैल्पी में कमी होता है, इस विलयन के निर्माण में आयतन एवं इंथैल्पी में क्या होता है, कम जाता है, मतलब कमी होता है। इसका हम लोग एग्जांपल में क्या देखेंगे, किसका एग्जांपल, हम लोग नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल में हम लोग इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, किसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डिविएशन का। हम लोग पहला विशेषता क्या देख रहे थे, पी ए लेस देन पी जीरो ए इंटू एक्स बी, पी बी लेस देन पी जीरो बी इंटू एक्स बी। दूसरा विशेषता हम लोग क्या देखेंगे, इसका आयतन में कमी होता है, मतलब डेल्टा मिक्सचर भी लेस देन जीरो या इसी को लेस देन जीरो रहता है, मतलब नेगेटिव होता है, जीरो से कम कोई भी मान नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से इसके एंथैल्पी में कमी होता है, इसके एंथैल्पी मतलब डेल्टा मिक्सचर एच लेस देन जीरो या नेगेटिव। यहाँ पर अब हम लोग मेन कंसेप्ट देखेंगे कि ए और बी का इंटरेक्शन फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स शुद्ध अवस्था ए ए और बी बी से अधिक हो जाता है। यही इंटरेक्शन बल अधिक होने के कारण आसानी से मतलब बास बनने की क्रिया में कमी हो जाता है, जिसके कारण इसका बास दाब कम जाता है और राउल के नियम के बास दाब से कमी होती है। यही हम लोग का मेन है। पांचवा नंबर क्या देखेंगे, इसका
यह जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपी का निर्माण करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपी का निर्माण करता है। तो ये हम लोग क्या देखें, इसका ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, नॉन आइडियल मतलब ऋणात्मक ग्राफ क्या होगा, ये तो ऊपर से गया था तो धनात्मक का था, पॉजिटिव डिविएशन का था, तो हम लोग इसी को नीचे से बनाएंगे राहुल के नियम के अनुसार। जो ग्राफ है उस ग्राफ से नीचे यदि ग्राफ जाता है तो वो ग्राफ हो जाएगा, जैसे ए के लिए करेंगे तो ये केवल नीचे के लिए नेगेटिव डिविएशन, बी के लिए नीचे से गया तो ये नेगेटिव डिविएशन, उसी तरह से बिलियन के लिए भी ये नीचे से जाएगा तो ये नेगेटिव डिविएशन। तो यही नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ हुआ, किसका, ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श बिलियन का। तो हम लोग यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का व्याख्या किए।